अब मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको कि जो सब करते हैं गलतियाँ, आप लोग सबके सब, चाहे फर्स्ट डे हो सेकंड डे हो, कुछ तो ऐसा है कि जिनके 10-10, 15-15 दिन हो रहे हैं, हजारों बार समझा चुका हूँ मैं उनको कि भाई ये करना नहीं है, ये करने से ये होता है, लेकिन समझते नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो आप लोग गेयर है ना, गेयर को उखाड़ने में लगे होते हो। मैंने हमेशा कहा है, हर बारी कहा है कि हल्का पकड़े इस गेयर को, ये गेयर है, देखो गेयर है, हमेशा जब भी गेयर को पकड़ना है उससे पहले पूरा क्लच दबाना है। ये नहीं आपने क्लच दबाया नहीं है, देख खींचा खाची कर रहे हो, ठीक है, पूरा क्लच दबाया और ये गेयर है। मैं फिर बता देता हूँ गेयर के साथ में एक वीडियो और, तीन गेयर आगे तीन पीछे होते हैं, ये बीच में लाइन है। अब कोई ये मत पूछना कि सर फर्स्ट के बाद सेकंड लगाने के लिए न्यूट्रल आना जरूरी है, ये बीच में लाइन है ना, जो ये जरूर है, ये पक्का आएगा ही आएगा, इसमें आप जो मर्जी करो तभी रहेगा गेयर, ठीक है। तो ये है हमारे तीन गेयर इधर तीन इधर, तो ये न्यूट्रल है फर्स्ट, हमेशा हल्का पकड़े गेयर को, हमेशा हल्का, ये देखो फर्स्ट यहीं से वापिस सेकंड, यहां से थर्ड, यहां से फोर्थ, ठीक है, यूं नहीं पकड़ते गेयर को, यूं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, कि जब भी कभी गेयर लगाना है, कभी भी गेयर लगाना है, तो आपने पूरा क्लच दबा के ही लगाना है। ये नहीं हाफ क्लच दबाया लगे हुए इसको खींचने गेयर जबरदस्ती कर रहे हो, गेयर खराब हो जाएगा भाई। हमेशा पूरा क्लच दबा के, यूं पूरा क्लच, अब क्लच कैसे चलती गाड़ी में, आप गाड़ी चला रहे हो, ये देखो न्यूट्रल करी, मैं आपको करके बताता हूँ। स्टार्ट हुई, फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक डाउन, ये चले हम फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर में हम चल रहे हैं। अब अगर हमने सेकंड लगाना है तो थोड़ी सी स्पीड तेज करनी है, क्यों तेज की, ये देखो मेरा पैर देखो नीचे, रेस थोड़ी सी तेज की, रेस के ऊपर पैर है ना। अब मैंने सेकंड गियर लगाना, रेस छोड़नी है, पूरा क्लच दबाना है और ये लगा सेकंड, ऐसे। आप लोग क्या करते हो, इधर से आपने रेस भी दी हुई है, इधर से आपने क्लच भी दबाया हुआ, पूरा नहीं है और लगे हुए गियर लगाने के लिए, वो नहीं होगा, उससे गियर नहीं लगेगा, बल्कि और प्रॉब्लम आ जाएगी, गियर खराब हो जाएगा। तो क्या करना है, दोबारा बता रहा हूँ, ये फर्स्ट गियर पे चलाया, थोड़ी सी रेस ली, पूरा क्लच दबाया रेस छोड़ के, और वापिस सेकेंड, रेस के ऊपर से पैर हटाना है, ना कि इस पे रखना, हटाना ही हूँ, फिर लगाना सेकेंड, थर्ड के लिए फिर क्या करना है, फिर वापिस तेज रेस ली, पूरा क्लच दबाया और ये थर्ड लग गया, फिर क्लच छोड़ गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आप लोग गेयर चेंज करते हुए रेस नहीं छोड़ते, इसलिए बता रहा हूँ, ये रेस छोड़नी है, पूरा क्लच दबाना है, ये पेडल है दो, ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, अगर क्लच नीचे जाएगा तो रेस ऊपर आएगी, अगर रेस ऊपर आएगी तो क्लच नीचे जाएगा, आप समझ रहे बात को, ये दोनों अप डाउन ऐसे चलते ही है, दोनों कट्ठे नहीं दबाने होते, ठीक है। पहली तो ये है आपकी कि हमेशा जब भी गेयर लगाओ तो पूरा क्लच दबा के ही लगाओ भाई, आधा क्लच दबा के नहीं, गाड़ी खराब हो जाती है, गेयर खराब हो जाते हैं, ठीक है। और जब भी गेयर लगाना है ना, जैसे फर्स्ट गेयर पूरा क्लच दबा के यूं, और ये देखो जोर नहीं लगाना है, यूं ताकत नहीं, ये देखो प्यार से, ये तो आपको तब भी सिंपल गाड़ी है, अगर ऑटोमेटिक उसमें तो आपको उंगली का इशारा करना है, पूरा क्लच दबाया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आया कुछ समझ, इसीलिए ताकत नहीं लगानी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया, फर्स्ट पार्ट में भी अपने, तो आपको ये चढ़ाई है, मान लो ये चढ़ाई है, यहाँ पर अगर गाड़ी उठानी है तो हमने कैसे उठानी है, चढ़ाई में गाड़ी कैसे उठानी है, पूरा क्लच दबाया फर्स्ट गियर लगाया, कोई भी गियर पे आ रहे हो ये फर्स्ट है, ठीक है जी। कॉम्बिनेशन ये देखो, ये बन गया कॉम्बिनेशन, ये वाइब्रेशन हो रही गाड़ी, ये देखो वाइब्रेशन हो रही गाड़ी, तो अब अगर आप ब्रेक छोड़ोगे तो पीछे नहीं जाएगी गाड़ी, ये देखो मैंने कोई हैंड ब्रेक नहीं लगाई, ये देखो गाड़ी अभी क्लच पे टिकी हुई है, इसको बोलते हैं गाड़ी को तोलना, क्लच पे गाड़ी को तोल देना चढ़ाई में, चढ़ाई में गाड़ी खड़ी है, क्लच पे खड़ी है। अब क्या करना है, हमें थोड़ी सी रेस लेनी है, देखो ये ले ली रेस 10%, जितनी चढ़ाई है, ज्यादा चढ़ाई है तो 15%, नहीं तो 10% रेस ले ली आपने, थोड़ी रेस ली, थोड़ा क्लच छोड़ा, ये देखो फिर वापिस, फिर पूरा क्लच लगा के पाँव ब्रेक पे,
फिर वापस क्या करना है, ये छोड़ा वापस क्लच वाइब्रेशन तक, ये देखो दोबारा दर दर की आवाज आ गई, फिर हल्की सीरियसली थोड़ा क्लच छोड़ा, फिर वापस ब्रेक पे, फिर वापस क्लच छोड़ा, फिर ये, फिर रेस। तो मतलब कहने का मतलब चढ़ाई में गाड़ी कैसे उठाएं, और बाकी मैंने इसमें बताया कि पूरा क्लच दबा के गाड़ी को गियर लगाएं, हाफ क्लच मत दबाओ भाई नहीं तो गियर खराब हो जाएगा, ठीक है। और जो भी है ध्यान से देखो, और जो बोलते हैं चाहे किसी भी ड्राइविंग स्कूल में सीखो उसको सुनो फिर करो। ये नहीं आपको कहा कि किसी ने कहा इंस्ट्रक्टर की कि फर्स्ट गियर लगाओ, आपने आओ देखा ना ताव देखा आधा क्लच दबा चाहे पूरा दबा घुसेड़ दिया, नहीं। अरे कई बार लगेगा कई बार नहीं लगेगा, फिर क्या करोगे, ध्यान से सुनो कोई बात नहीं, आराम से फर्स्ट गियर लगाओ। और दूसरी बात है कि फर्स्ट डे होता है ना जो, या कोई भी डे है, ड्राइविंग करते समय डरना नहीं है। जो आपके साथ में बैठा है ना सिखाने वाला, वो भी शायद आपको यही बोलेगा डरना नहीं है, डर निकालना हमने, डरना नहीं है। पीछे कोई हॉर्न दे रहा है कोई बात नहीं देने दो, आप हमेशा अपनी लेफ्ट में चले रहो, आप उससे कोई मतलब ही नहीं है, तू जो करना कर ले भाई मुझे कोई मतलब नहीं। बाकी पता ही है आपको, फॉलो करना है, लाइक करना है, जो भी है बाकी आपको पता ही है। धन्यवाद।